देखिए मैडम, जब से ये मोदी सरकार आई है तब से ही लोग हर इंसान निरस्त हो रहा है और अपने ही हिसाब से वो चलता जा रहा है। यानी मोदी सरकार से अब इसको कोई भी कहीं से कहीं तक लाभ नहीं मिला है। जो है एक अपने हिसाब से काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसको काम करने से कुछ चंद लोग रोक देते हैं। पुलिस प्रशासन जनता का सहयोग करें, और मेरे हिसाब से प्रशासन अगर ना हो तो कुछ देश का हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है और अपने हिसाब से वो चलती है, अपने हिसाब से जहाँ भी उसको सूचना मिलती है तुरंत पहुँचते हैं। उसकी जान जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है, शासन, प्रशासन या हम खुद? आज अगर हमें कहीं बुलाया जाता है तो हम जान पे खेल के हम पूरा अपना कर्तव्य निभाते हैं। क्या सरकार हमारा कर्तव्य निभा रही है? मेरी सोच तो ये है कि सरकार को सारे पत्रकारों के लिए एक योजना कायम करना चाहिए, उनकी कुछ पेंशनों के लिए सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ रास्ते खोलना चाहिए, ऐसे रास्ते खोलना चाहिए कि उनको सोचना चाहिए पत्रकारों के लिए कि पत्रकार क्या चाह रहा है। पत्रकार का सिर्फ सोच यही है कि अगर कहीं जाते हैं तो सिर्फ पत्रकार अपनी जान पर खेल खेलता है, वो कल को पत्रकारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, पत्रकारों के लिए एजुकेशन के बारे में क्या आपका विचार है? देखिए, एजुकेशन आजकल है ही कहाँ पत्रकारों की। अगर अपन देखा जाए तो एजुकेशन तो कुछ मायने रख ही नहीं रही पत्रकारों की। अगर अपन उस हिसाब से बात करें तो हर आदमी पत्रकार बन रहा है मैडम, और उन पत्रकारों के चक्कर में दूसरे पत्रकार नीचे स्तर पे आ रहा है। इसके लिए कुछ कैडर होना चाहिए कि नहीं? तो ये कैडर कौन सोचेगा? आप हम तो नहीं सोच सकते ना भाई, ये कैडर कौन सोचेगा? आप हम तो सोच नहीं सकते ना। ये भी सरकार का फर्ज बनता है कि वो भी देखे, उसके बारे में वो भी सोचे। तो आज के टाइम में कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन पत्रकारिता कर रहे हैं, उन पत्रकारों की वजह से कुछ समाज में भी गंदगी फैल रही है। जो पत्रकार हमारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको हटाने के बाद हम छोटे पत्रकारों को देखना शुरू कर देते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे मैडम ने अभी सवाल करा, जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके लिए भी सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। पत्रकार अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसका मतलब अगर वो कुछ भी अगर मार्केट में होता है, आपराधिक घटनाएँ होती रहती है, तो छोटे छोटे पत्रकार, बड़े पत्रकार तो बहुत कम पहुँच पाते हैं, लेकिन छोटे पत्रकार हैं, पोर्टल वाले हैं, आपका साप्ताहिक वाले हैं, वो तुरंत पहुँच कर उसका घटना को कवरेज करते हैं। मैं ये बड़े पत्रकारों से ज़्यादा मेहनत छोटे पत्रकार कर रहे हैं आज की तारीख में। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बड़े पत्रकार की बात नहीं, बात एजुकेशन पे हो रही है। नहीं, एजुकेशन तो खैर एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि वो अपना धर्म बड़े बखूबी निभा सके। आपका कहना भी सही है और मैडम आपका कहना भी सही है, लेकिन सवाल इसी बात का उठ रहा है कि इसका निर्णय निकालेगा कौन? अब हम आप अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं पा रहे हैं, हम छोटे और बड़े पत्रकार की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सवाल ये आ रहा है कि अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, आज मिसाल के तौर पे यूपी सरकार ने उन पत्रकारों को सहयोग दिया और उनका सहयोग कर रही है यूपी सरकार, महाराष्ट्र ने किया। थैंक यू।